यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह कानपुर से दिल्ली जा रही बस झपके के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में करीब 2 दर्जन सवारियां घायल हो गई हैं, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि मथुरा की यमुना एक्सप्रेसवे माइलस्टोन 108 पर सुबह करीब 4 बजे एक वोल्वो बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें करीब 30 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 14 लोगों को ज्यादा चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल भर्ती करवाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही सीओ सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को पुलिस ने अस्पताल भिजवाया। वहीं यात्रियों ने बताया कि वह बुद्धा हमीरपुर से नोएडा होते हुए दिल्ली जा रहे थे। जब गाड़ी यहाँ से चली तो तभी से ही ड्राइवर को नींद आ रही थी, उसी के चलते हादसा हुआ है। गनीमत रहे कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। वहीं पहुंची पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे पर लगे जाम को खुलवाया। गाड़ी का ड्राइवर मौके से भाग गया। सीओ सदर ने बताया कि बुद्धा हमीरपुर से गाड़ी आ रही थी, जो यमुना एक्सप्रेसवे की ओर पलट गई, जिसमें करीब 14 सवारियों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें हॉस्पिटल के लिए भेज दिया गया है। और बताया है कि ड्राइवर को नींद आने की वजह से गाड़ी यमुना एक्सप्रेसवे पर पलट गई है, जिसमें करीब 40 से 50 सवारी थी। सभी को हॉस्पिटल भिजवाया दिया गया है। जिनको मामूली चोटें आई हैं, उन्हें मौके पर इलाज किया गया है। आपका? मेरा नाम रीना है। जी, मैं यूपी की जाने वाली हूँ। जी, कहाँ से कहाँ जा रही थी? मैं यूपी से, मैं क्या नाम है, एमपी की ओर जा रही थी। जी, क्या घटना हुई? क्या नाम है, ड्राइवर इटावे में ही सो गया और धीरे धीरे गाड़ी चलाता था। बीच बीच में वो रुकती रही, चलती रही और आई यात्री भी पता नहीं क्या वो कैसे पलट गई, कुछ पता ही नहीं चला। क्या मानो, ड्राइवर की लापरवाही मैंने क्या मानो? ड्राइवर की लापरवाही, क्योंकि वो डावे से ही नकली कर रहा था। okay. क्योंकि उसको बार बार नींद आ रही थी, बार बार रुक रहा था और बार बार गाड़ी चल रही थी, कई बार डगमगा रही थी, तो मुझे भी ऐसा कुछ लग रहा था कि ये नींद में चला रहा है या तो फिर ये पीकर चला रहा है। तो उसमें कितने लोग घायल हैं? उसमें कम से कम 30-35 लोग हैं और उसमें सभी को चोट आई है। क्या मालूम वो शराब पिए हुआ था ड्राइवर? मुझे नहीं पता, पर मुझे तो ऐसे ही लग रहा है क्योंकि कई काफ़ी देर से उसमें हरकत हो रही थी। गाड़ी का मामला क्या मामला? गाड़ी की पलटी थी, वृंदावन कट के ठीक ऊपर एक प्राइवेट गाड़ी पलट गई, बस पलट गई है, जिसमें करीब 40 से 50 सवारियां थी। और ये आपके मोदाह हमीरपुर पड़ता है, तो वहां से दिल्ली जा रही थी। ये ड्राइवर अपना, इसको नींद आ गई है या तो इसका संतुलन बिगड़ गया है, और ये गाड़ी ठीक पलट गई है, जिसमें करीब 14 लोग घायल हुए हैं। जो ज़्यादा घायल हैं और मामूली 4 लोग हैं जिनको सौसैया भिजवाया गया है, 14 लोग हैं जो जिला अस्पताल भेजे गए हैं। कोई कैजुअल्टी तो नहीं हुई? कोई कैजुअल्टी नहीं है, सब घायल हैं और गंभीर रूप से भी ज़्यादा कोई घायल नहीं है। तत्काल पुलिस को सूचना मिली है, तुरंत PRP बुलवा के और जल्दी से जल्दी इनको जिला अस्पताल शिफ्ट किया गया। क्या सर, चालक परिचालक गिरफ्तार है या फरार? परिचालक यहाँ मौजूद है, चालक भग गया है, चालक नहीं दिख रहा है, परिचालक मौजूद है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।